मोदी सरकार ने 50,000 करके एक सबसे अच्छा काम किया है, जो हम जैसे स्टूडेंट वहीं एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम में बराबर पैसे मिल रहे हैं, किसी से कैसे सामना नहीं करना पड़ता, परेशानियों का कोई सामना नहीं करना पड़ता है। 24,000 एक सप्ताह की थी लिमिट, उससे कम पैसे निकलते थे, बैंक में भीड़ वगैरह रहती थी, लाइनों की समस्या रहती थी, वो थोड़ी समस्या हल होगी, जो बैंक के अदर काम है उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक बार में जो पैसे निकलते हैं उनमें लोगों के काम भी अटकेंगे, जिससे बैंक की भीड़ कम होगी और काम अच्छा चलेगा। अपनी इंडियन सोसाइटी जो है बड़ी इलिटरेट है, जो इतना उनको बैंकिंग की हैबिट नहीं है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन की हैबिट नहीं है, इसलिए ये तो आवश्यक था। लेकिन जिनको नॉन कैश ट्रांजैक्शन की हैबिट है, जो लिटरेट सोसाइटी है, उसको अपने इकोनॉमी और देश के हित में सोचते हुए उस लिमिट का, बढ़ी हुई लिमिट का उपयोग नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने जो करा है वो सही करा, जो 31 मार्च में जो कर रही लिमिट खत्म कर रही वो भी सही कर रही है, वो 100% होगा, वो पुराना वाला स्टेटस वापस आ जाएगा मार्केट में। फैसले से हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फैसला, अच्छा डिसीजन। लिक्विडिटी बढ़ेगी सिस्टम में, लोगों के पास कैश ज्यादा आएगा तो लोग खर्च करने की ज्यादा सोचेंगे, इससे कहीं ना कहीं किसानों को और छोटे बिजनेस वालों को, कारोबारियों को काफी फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन का उन्हीं पर हुआ था।